बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि दाल के पापड़ का सालन जो हम बना कर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने दाल के पापड़ जो घर के बने हुए होममेड दाल के पापड़ उससे तैयार करेंगे। पापड़ों को हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, ये देखें, ये बिल्कुल होममेड दाल के पापड़ हैं, बाजार से नहीं खरीदेंगे। आपको एक दिन इसकी रेसिपी ज़रूर मिलेगी। हम एक एक करके सब तमाम दाल के पापड़ों को फ्राई कर लेंगे। इसे जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि दाल के पापड़ बहुत जल्दी जल जाते हैं। इसे इसी तरीके से फ्राई किया जाता है। काफ़ी लोग इसे सेकते भी हैं, मतलब डायरेक्ट आँच पर रख कर या तवे पर रख कर सेक लेते हैं इसे, पर हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, ये टेस्ट इसका भर जाता है। हम पापड़ों सब भी पापड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। हमने 7 से 8 पापड़ लिए थे सालन बनाने के लिए, इतने काफ़ी होते हैं। इसी बगैर सालन के बगैर खाने में तो बहुत ज़्यादा पापड़ चाहिए होंगे। पापड़ों को हमने फ्राई कर लिया, तमाम पापड़ों को। अब ये देखें, फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। ये आधे आधी प्याले के करीब इसमें ऑयल ले गया है, चूँकि पहले से गर्म है। अब हम इसमें आधी चाय की चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक, जिसको हमने कूट लिया था, कूटा हुआ हम फ्रेश शामिल कर रहे हैं। इसे कलर आने तक से भूनेंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे क्योंकि पेस्ट तो जल्दी हो जाता, पर ये कूटा हुआ थोड़ा मोटा है, ये जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा पर जल्दी हो जाएगा। कलर आने तक हम इसे फ्राई करें। देखिए कलर आना शुरू हो गया। जैसे इसमें कलर आएगा हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जल ना जाए। पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हमने 1.5 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1.5 चाय के चम्मच ही हमने धनिया पाउडर डाला है इसके अंदर, और 1/2 चाय के चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। ये देखें, अच्छी तरह से भून लेंगे। आप मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आप जितनी ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा खाइए, डालिए या कम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया ताकि इसे अच्छी तरह भून लें। ये देखें, भूनने के बाद ऐसी दिखाई देने लगे। हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, प्याज नहीं डालेंगे, टमाटर और प्याज के बगैर ही इसे बनाएंगे और इसे ही ये जायकेदार मज़ेदार बनेगा। ये इसे टमाटर ही प्याज डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसमें 1/2 चाय के चम्मच इसमें डाल रहे हैं नमक, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और ये 1/2 चाय के चम्मच हमने शामिल किया गरम मसाला। गरम मसाला इसमें कम डाल रहे हैं हम क्योंकि दाल के पापड़ों में काली मिर्चें, ज़ीरा, मतलब थोड़ा गरम मसाला डाला जाता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हमने तकरीबन 125 ग्राम के करीब दही लिए थे, जैसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था हमने। फेंट कर ज़रूर डालें दही, वरना उसका दाना रह ही जाता है। जल्दी से इसे मिक्स करेंगे, इसे अच्छी तरह भुनेंगे। दही को भुन जाने तक, इसका पानी ड्राई हो जाने तक हम इसे भुनेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। यकीन करें प्याज और टमाटर के बगैर ये सालन नहायत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। हम तो अक्सर बनाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ये देखिए अच्छी तरह भुन चुका है हमारा सालन, मसाला दही का पानी ख़त्म हो। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, 1 कप नहीं हम डालेंगे इसमें 3 कप पानी, क्योंकि अब इसमें हम कोई और चीज़ ऐड करने वाले नहीं हैं, बस यही सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे। मैंने 3 कप पानी डाला था, पानी को सिर्फ बॉईल आने पर ही हम इसमें अपने पापड़ों को तोड़ कर डाल दिया, और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही हम बनाएंगे, वरना ज़्यादा देर तक हम इसे चूल्हे पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर बिल्कुल टूट जाएंगे, इसमें मैश हो जाएंगे, बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब हो जाएंगे, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे।
थोड़ा सा उबाल आने देंगे, बस इसे इतना ही पकाएंगे। अब इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे, नया ज़बरदस्ती खुशबू आएगी इसके अंदर कसूरी मेथी डालने से। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, इसे ढक देंगे थोड़ी सी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अच्छी तरह से नीचे से चमचे से इसे प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे ताकि ये हमारे शोरबे में अच्छी तरीके से जब करें। तैयार हो गया हमारा सालन, हम इसे चूल्हे में प्लेट में निकाल रहे हैं। मज़ेदार सा लजीज सा पापड़ का सालन तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए ज़रूर। ये यूनिक सी रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा सालन, हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लाएं। आप ज़रूर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। एक बार फिर कहती चलूँगी कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, पूरा देखें। बगैर टमाटर प्याज के तैयार हो चुके हैं मेरे लजीज़ सालन हमारा। अल्लाह।